रायपुर माना कैंप पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय दीक्षांत पर परेड समारोह जिसमें महिला नव आरक्षक 249 व पुरुष नव आरक्षक 46 शामिल हुए। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस संजय पिल्ले महानिदेशक छत्तीसगढ़ बल प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय रायपुर। कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जगदलपुर बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद। जेलेटिन डेटोनेटर वायर सहित एक आरोपी भी पकड़ाया। ओडिशा के मलकानगिरी का है आरोपी। माओवादियों को सप्लाई करता था विस्फोटक सामग्री। कोरिया अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। ठगी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 2 महिला शामिल। 4 लोगों से की थी ठगी। 1,75,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपी मध्य प्रदेश के सागर जिले के हैं। 1,00,000 रुपए नगद और 7 मोबाइल बरामद। आईजी ने 10,000 रुपए देने की घोषणा की। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। बीजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरना मनकेली गांव के नक्सलियों द्वारा 2 जेसीबी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। उक्त दोनों जेसीबी वाहन केबल बिछाने के कार्य में लगी थी। जेसीबी वाहन सुकमा निवासी शमशेर खान की बताई जा रही है। नक्सलियों द्वारा जेसीबी वाहन चालक और अन्य लोगों से छोटे बड़े 5 मोबाइल छीन कर ले गए और साथ दोबारा काम नहीं करने की धमकी भी दिए हैं। कवर्धा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वनमंडल कवर्धा नए भवन का लोकार्पण किए। नगर पालिका द्वारा 49.96 लाख का रैन बसेरा का उद्घाटन किए। बालीवाल मैदान का लोकार्पण सीएम के हाथों किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गर्मी का कहर। मौसम विभाग के अनुसार लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए गर्मी और बढ़ने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ गर्मी और लू दोनों ही लोगों का बुरा हाल कर दिया है। जहां तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी तापमान जैसे क्षेत्र में 46 डिग्री है। शहर में 45 और 44 डिग्री तक है। सबसे ज्यादा गर्मी बिलासपुर को बताया जा रहा है। मैदानी क्षेत्र प्रिय छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क होने के कारण तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री बिलासपुर में दर्ज किया गया। इसके बाद माना रायपुर में 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हम जो तापमान अंकित कर रहे हैं वो ज़्यादातर स्थानों पर 42 से लेकर 47 डिग्री के मध्य तापमान दर्ज हो रहे हैं। इवन कल जो हमने बस्तर संभाग में यहाँ के सामान्यतः तापमान 40-41 डिग्री रहते हैं, जगदलपुर का तापमान भी 42 डिग्री आसपास, वहाँ बीजापुर का तापमान भी 42-43 डिग्री हमने दर्ज किया। इसका मतलब यह है कि जो दक्षिणी भाग और जो उत्तरी भाग है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर लू जैसी स्थिति कुछ स्थानों पर हमने रिकॉर्ड करी है। सबसे ज़्यादा तापमान कल भी बिलासपुर में हमने 45.9 डिग्री यानी करीब 46 डिग्री का तापमान दर्ज किया, जो कि हीट वेव या अत्यधिक ज़्यादा तापमान।
रायपुर हाईवे को बंद, रायपुर के नेशनल हाईवे NH 36 को बंद रखा गया है, जिसमें जाम बढ़ते चला गया। सुबह 6 बजे से तेलीबांदा चौक से पचपेड़ी नाका तक रास्ता ब्लॉक रखा गया। आपको बता दें कि काशीराम नगर के केनाल लीकिंग रोड पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। इसमें 2 बड़े बड़े साइज के लोहे के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इस ब्रिज पर फिट करने के लिए मुंबई से क्रेन बुलाया गया है। लगभग 1,080 टन के इस लोहे के स्ट्रक्चर को फिट करने के लिए 18 से 21 मई को NH 36 तेलीबांदा से पचपेड़ी तक बन रहेगा। 42 करोड़ की लागत से बनी इस ब्रिज का निर्माण पिछले 2 साल से किया जा रहा है। इसमें अभी भी लगभग 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। इसके साथ ही जो मशीनें मुंबई से मंगाई गई हैं, उनके माध्यम से स्ट्रक्चर को बैलेंस कर ब्रिज पर फिट किया जाएगा। इन मशीनों को मुंबई से रायपुर आने में लगभग 5 दिन का समय लगा है। रायपुर फरार चल रहे वारंटी बदमाश गिरफ्तार। राजधानी पुलिस ने शहर भर में कार्यवाही करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी और बदमाशों की धरपकड़ की। पुलिस की टीम बाइक पर गली मोहल्ले में घुसी और अलग अलग थानों में ऐसे कुल 31 वारंटियों और गुंडे बदमाशों को पकड़ा। अफसरों के अनुसार लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी और जिन युवकों के नाम आपराधिक मामलों में सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ नियमित कार्यवाही की जाएगी। वहीं यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस के अनुसार गुरुवार को अलग अलग थाने की टीम बाइक में निकली। ये टीम वारंटियों के साथ चोरी, चाकूबाजी, छेड़खानी, मारपीट, आबकारी एक्ट, जुआ सट्टा के साथ अन्य मामलों में शामिल रहे आरोपियों को पकड़ा। इनमें से कुछ ऐसे थे जो पिछले 8 साल से फरार चल रहे थे। इसमें विधानसभा थाना, सिविल लाइन और अभनपुर से 4-4, गोल बाजार और गुढ़ियारी से 3-3, सरस्वती नगर व टिकरापारा से 2-2 के साथ दीदीनगर, पुरानी बस्ती, नवापारा, माना, मुजगहन गंज, खरोरा, कोतवाली और खमतराई से 1-1 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। 31 लोगों को पकड़ा गया है। अभियान के तहत राजधानी पुलिस के द्वारा सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमें 6 से 7 घंटे पूरे शहर में लगाई गई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य वारंटी, जो स्थायी वारंटी है और व्यापारी वारंटी है, उनको तामील करना था। और इस प्रकार कुल मिलाकर सभी थानों को मिलाकर 27 गिरफ्तारी वारंटी और 4 स्थायी वारंटी तामील किए गए हैं। टोटल 31 वारंटियों को तामील किया गया और इस प्रकार का अभियान लगातार शहर में जारी रहेगा। प्रेस क्लब की प्रगति और पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए हर संघर्ष को तैयार प्रगतिशील युवा पैनल। प्रेस क्लब की जंग लगी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रगतिशील युवा पैनल को विजयी बनाकर अपना अमूल्य योगदान दें। अध्यक्ष के लिए दामू अम्बेडारे, महासचिव संजय शुक्ला, उपाध्यक्ष मनोज साहू, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण लेखवानी और संयुक्त सचिव के लिए रमन हलवाई और मनोज नायक को वोट देकर सहयोग प्रदान करें। याद रखिए, मतदान की तिथि रविवार 21 मई 2017 दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक।